रेलवे अफसरान की जुगाड़ बड़े हादसात को दावत देने लगी। पन्नू आकिल रेलवे स्टेशन पर पटरी की हालत इंतहाई खराब है। ट्रेन की पटरी को नट बोल्ट की बजाय लकड़ियां फंसाकर काम चलाया जाने लगा। डीएस रेलवे सखर के नोटिस में होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बात करेंगे शौकत अली से। शौकत अली बताइएगा, डीएस ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जी बिल्कुल, रेलवे का जो महकमा है इन दिनों बदतरीन माली व इंतजामी बहरान का शिकार है। और एक तो ट्रैक है 1861 का पुराना है, और इस पर जो रेलवे इंतजामिया ने ये किया है कि अभी पन्नू आकल स्टेशन के ऊपर एक मुसाफर ट्रेन ने गुजरना था, तो इसका तो बोल्ट जो था पटरी का वो नहीं था, तो उन्होंने लकड़ी लगाकर जो ट्रेन को गुजार दिया है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इसकी रेलवे की क्या हालत है, और रेलवे जो ट्रैक है इसकी खस्ता हाली की वजह से हादसा बढ़ते जा रहे हैं। इसकी ये भी आप देख सकते हैं कि 9 दिनों में तकरीबन 23 करोड़ और 35 लाख रुपए के जो टिकटों की मद में रिफंड कराया है लोगों ने। जो मुसाफर थे वो नहीं चाहते कि रेलवे की बुरी हालत की वजह से वो ट्रेनों में सफर करें, तो इस पर रेलवे इंतजामिया ने भी सर जोड़ लिया। उन्होंने इसको प्राइवेट निजी शोबे को देने के लिए 8 ट्रेनें का ये पहला नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन उसके ये देखना यह, जब ट्रैक इतना पुराना है और इस पर इतने हादसा हो रहे हैं, और रेलवे के पास बिल्कुल कोई ऐसे फंड भी नहीं है कि वो अपने ये मरम्मत ही कर सके इस ट्रैक को, तो ये जो निजी शोभा है वो इन ट्रेनों को कैसे चलाएगा? तो ये लग रहा है कि रेलवे का अलग ही आफत है, और हादसे हैं उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। शौकत अली बताइएगा कि इस रेलवे स्टेशन की इस तरह की हालत कब से है? इसकी जो हालत जो है तकरीबन 3 हफ्तों से यही सूरत हाल है, और मुल्तान से लेकर और सखर हैदराबाद और कराची डिवीजन का जो ट्रैक है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। इस पे जो इनके डिवीजन सुप्रिटेंडेंट हैं वो बार बार बता चुके हैं रेलवे इंतजामिया को कि यहाँ पर अब सफर करना इंतहाई खतरनाक है, मगर रेलवे इंतजामिया के पास इसका कोई हल नहीं है। उन्होंने अलबत्ता ये हल निकाला है कि रोजाना की बिना पर पराक्रम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस जो है उसको मनसूख करना शुरू कर दिया है, और इसमें मुसाफरों की तादाद को देख कर बोगियां लगाई जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैक अगर जो इतना पुराना है, और रेलवे का तमाम तदारो मदार जो ML1 पर है, जो कि चाइना के शासक से बनाया जाए 1872 किलोमीटर का ये ट्रैक है, लेकिन अभी इसको बनने में 6 से 7 साल का अरसा दरकार है। अभी तक तो उसकी इंटरनेशनल टेंडर भी नहीं हो सके, तो रेलवे इंतजामिया खामोश बनी हुई तमाशे का किरदार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे शौकत अली।